Which is the national bird in India? Narendra Modi. गाइस लंगूर आपने तो कभी देखा नहीं होगा, फिर आपको दिखाते हैं। आपने इतना सारा जानवर दिखाया, इसमें से एक जानवर बताइएगा ये कौन सा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं बोकारो का जू पार्क में, यानी कि नेहरू पार्क में। तो हमको आप दिखाते हैं आज आप लोगों को कि आज क्या है यहाँ पे और क्या नहीं है। तो चलिए आज यहाँ के एक्सप्लोर करते हैं कितने जानवर हैं और कितने नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये देख सकते हैं अभी क्या सीन है यहाँ का, जो कि पूरा पत्ता गिरा हुआ है और यहाँ पे है सांप का घर। चल के देखते हैं यहाँ पे सांप है या नहीं, कौन सा सांप है। और ये क्या सांप नहीं है क्या भाई, यहाँ पे कहाँ है। ये देख सकते हैं अभी सांप बस एक ही बचा हुआ है इसमें, बहुत सारा था पहले, बहुत साल पहले, अभी सब लगता है यहाँ से निकाल दिया गया है, बस एक ही बचा हुआ है। और इधर देखते हैं, इधर भी नहीं है। तो और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। मेरे को लगता है ऑलमोस्ट बहुत यहाँ पे जानवर है जो बहुत सारा कम हो चुका है पहले के मुकाबले, मतलब पहले बहुत सारा था अब नहीं है यहाँ पे। देखते हैं, देख सकते हैं आज कुछ नहीं है यहाँ पे, सब जंगल हो चुका है। ये पिंजड़ा के अंदर जानवर कम और जंगल ज़्यादा दिख रहा है, इसमें भी लगता है कुछ था जो कि अब नहीं है। को पैसा बर्बाद। बाघ देखने आया था मैं, टाइगर, क्योंकि दिख नहीं रहा है, ये भी नहीं है। टाइगर जिंदा है गाइस, देख सकते हैं ये भाग रहा है, बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है। फाइनली कुछ जाके दिखा है, इतना घूमने के बाद एक तेंदुआ दिखा है मेरे को, वो देख के बैठा हुआ। हनुमान लंगूर जो सब ऊपर बैठ गया है। गाइस लंगूर आपने तो कभी देखा नहीं होगा, फिर आपको दिखाते हैं। वो देख के बैठा हुआ ऊपर। आपने इतना सारा जानवर दिखाया, इसमें से एक जानवर बताइएगा ये कौन सा है। ठीक है, कमेंट में बताइए कौन सा जानवर कहाँ ज्यादा पाया जाता है। ये अच्छे से देख लीजिए, आप बताइए जानवर कहाँ ज्यादा पाया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि देख सकते हैं तीन तीन है यहाँ पे, काफी सुंदर लग। टर्की जो कि यहाँ है, क्या बोलते हैं पीकॉक, जो कि पैरोट देख सकते हैं वहाँ बैठा हुआ दो तीन को है। रोजी पेलिकन, और ये देख सकते हैं अंदर, वहाँ पे अंदर बैठे हुए लोगों। आपने तो कभी देखा नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो गाइस लगता है सलमान मोर का एंट्री हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। हिरन को दौड़ते हुए और हिरन दौड़ने लगी। काकड़ हिरन जो कि बार्किंग बियर के नाम से भी जाना जाता है, जो ये है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है तो अभी लाल और बस यही है। और देखते हैं आगे क्या है, कृष्ण मृग, और ये है, और ब्लैक बक के नाम से भी जाना जाता है, देखिए यही है, क्योंकि हिरन की तरह दिखता है, जैसे हिरन ही बोल सकते हैं इसको आप लोग।
जाती है। आपने तो कभी देखा नहीं होगा, तो मैं तो भी देख लीजिए आप लोग, गजब बेइज्जती है। अगर इसके बारे में और भी जानना होगा तो ये हम आपको वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में। फूड ट्रेन यहाँ का जो ये सिर्फ इंजन बचा हुआ है, बोगी उधर है, सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पे। कमेंट कर जरूर बताइएगा, स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड एलिफेंट, स्टेट बर्ड्स ऑफ झारखंड कोयल, स्टेट ट्री ऑफ झारखंड सेल, स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड प्लस प्लस। कोई सी हमेरा कोई सी, कोई सी हमेरा कोई सी। जवाहरलाल नेहरू, और ये है उन्हीं के नाम पे ये पार्क है। पूरा पेड़ सब है, पूरा बायोलॉजिकल पेड़ है यहाँ पे, जो नाम लिखा हुआ है इधर। गाइस यहीं पे हम लोग का ये ब्लॉग ख़त्म होता है, और आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट जरूर बताइएगा। और यहाँ पे अब कल जैसा कुछ नहीं रहा, और बता दें आपको टिकट यहाँ का पर पर्सन 20 रुपया है, और बाइक गाड़ी लेके आते उसका अलग चार्ज है। तो यही है यहाँ का पूरा पार्क, तो अब यहाँ से जा रहे हैं, गुड बाय, सी यू। और ये है वहाँ पे टिकट काउंटर, और ये है बाइक पार्किंग, कार पार्किंग सब, जो कि